नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। और मैं वीडियोस बनाता हूँ ताइवान के बारे में, जो कि एक छोटी सी कंट्री है पैसिफिक ओशियन के पास, चाइना के साउथ ईस्ट में। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ताइवान के बारे में, आप कंसिडर कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज का वीडियो जो है वो ताइवान के फेमस एक डिश है हॉटपॉट, उसके बारे में है। तो मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो प्रिपेयर करते हैं, कैसे ऑर्डर करते हैं और कैसे वो खाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो यार ये मेन्यू है, तो मेन्यू में बेसिकली दो चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं, एक सूप और दूसरा मीट या वेजिटेबल। वेजिटेबल तो बफे में लगी हैं, तो हम मीट सेलेक्ट करेंगे इधर से और सूप का फ्लेवर सेलेक्ट करेंगे। तो ये सारे मीट के आइटम हैं, चिकन, पोर्क, बीफ, मटन, ये सब हैं सी फूड। और यहाँ से हम सूप का फ्लेवर सेलेक्ट करेंगे। तो यार ऑर्डर मैंने दे दिया है, तो इसके बाद अब चलते हैं बफे से अपनी सब्जियाँ लेने चलते हैं। तो आगे काउंटर में सारे आइटम लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने लोग ले रहे हैं अपना जो जो उनको चाहिए। तो सबसे पहले ग्लव्स पहनना पड़ेगा, क्योंकि अभी पैंडमिक चल रहा है तो उसके लिए प्रिकॉशन है ये, क्योंकि पब्लिक टंग होगा, मतलब जो चिमटा होगा पब्लिक वाला, तो सारे लोग टच करते हैं, इसलिए ग्लव्स पहन के यहाँ पे जो भी आइटम आपको पसंद आ रहा है, जो भी सब्जियाँ आ रही हैं, टोफू है, बाकी सारे जो भी आइटम यहाँ पे रखे हैं, बेसिकली कुछ भी ले सकते हैं और कितना भी क्वांटिटी में ले सकते हैं और कितनी बार भी ले सकते हैं। तो ये सारा ठंडा फ्रिज टाइप का है, ये सब सब्जियाँ जहाँ रखी हुई हैं। तो देखते हैं इसमें से क्या क्या सेलेक्ट करते हैं। मैं बेसिकली कॉर्न ले रहा हूँ, कद्दू है, टोफू है और हरी सब्जियाँ थोड़ी सी, बेसिक जो भी आइटम मेरे को सही लग रही है वो मैं ले रहा हूँ। ये ऊपर ये सोयाबीन से बने हुए हैं ये सारे, तो काफ़ी हॉट पॉट में काफ़ी यूज़ होते हैं ये, जैसे अपने यहाँ सोया चाप टाइप का जैसे जो होता है वो है वो, ये ऊपर ये रखे हैं जो काउंटर में। ये मैं डिपिंग सॉस बना रहा हूँ यहाँ पे, जो जैसे आपने बॉईल कर दिया सूप में तो उसके बाद उसमें इतना फ्लेवर नहीं रहता, तो इसमें एक डिपिंग सॉस बना सकते हैं आप। उसमें आप जैसे आपने मीट सपोज आपका बॉईल होगा तो इस सॉस में डिप करके उसको बाद में मतलब फ्लेवर के लिए खाते हैं। तो यहाँ पे दो तीन तरीके के सोया सॉस होते हैं, दो तीन तरीके के विनेगर होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, प्याज है, चिल्ली, ये सब मैंने ये अपने तैयार कर दिए जो मुझे चाहिए। और यहाँ इधर ये सारे और भी आइटम रखे हैं, ये बीफ से बना हुआ कोई आइटम है, अपने काम का नहीं है। तो इसमें है वाइट राइस, चावल है इसमें, और उसके बगल में है ये ताइवानीज फ्लेवर्ड राइस है, अपने यहाँ की बिरयानी, यहाँ की बिरयानी समझ लो इसको। एनीवे ये सारे इधर डेजर्ट का सेक्शन है और हॉट डेजर्ट होगा वो है। और ये रेस्टोरेंट का डेकोर, ऊपर फूल वूल लगा रखे हैं, तो काफ़ी अच्छा बना रखा है ये रेस्टोरेंट। तो यार अपना ऑर्डर आ गया है। तो ये सूप है, ये रेड सूप जो है ये टमाटो सूप है, ये दूसरा वाला चाइनीज़ हर्ब सूप है, मतलब चाइनीज़ टाइप का। और इधर ये मेरी सब्जियां प्लेट में, मीट है, ये सब मैंने रख दिया है। तो अभी सब्जियां इसमें डालेंगे और भी आइटम, और इंतज़ार करेंगे बॉयल होकर और पकने का, उसके बाद टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। तो अभी मैं सारी सब्जियाँ डाल रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में डाल देते हैं पहले, तो ये क्योंकि ये टाइम लगेगा तो ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करेंगे। तो दोनों सूप में डाल देते हैं, कुछ इसमें और कुछ इधर वाले में, तो अलग अलग फ्लेवर हो जाएगा और उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे। तो आप मतलब जो भी आपको चाहिए वहाँ से लेके आप इसमें बॉईल करके और सीधे खाना, बहुत सिंपल सा है बस यही है, पर जो इसका एक्सपीरियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हॉट पॉट का, जब आप साथ में बैठ के खाते हैं लोगों के साथ। तो मैं आज इनवाइटेड था, मैं किसी ताइवानीज़ फैमिली के साथ आया हूँ खाने के लिए, तो एक गैदरिंग का अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होकर खाते हैं, दोस्तों से बातचीत करते हैं, अपनी फैमिली वालों से, तो अच्छा एक्सपीरियंस होता है। खाने या मतलब पसंद आने और ना आने का तो वो अलग सीन है, पर ये देखिए अब सारा लगभग तैयार हो रहा है बन के। और ये मीट ट्राई करते हैं पहले, ये पोर्क मैंने ऑर्डर दिया है, तो आप अपनी पसंद का कुछ भी मीट ऑर्डर दे सकते हैं। और देखते हैं, और थोड़ा सा ये एग से बनी हुई आइटम है ये जो मैं निकाल रहा हूँ अभी प्लेट में, इसके साथ ही थोड़ी देर में सब्जियाँ भी पक जाएंगी। तो पहले मीट से स्टार्ट करते हैं, चलो थोड़ी सी सब्जियाँ, तो एक बैलेंस डाइट आप ले सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं सब्जी, अच्छा है ये। टमाटो का जो फ्लेवर है वो
मेरे हिसाब से बेटर है। और ये देखिए मैंने जो डिप इन सॉस बनाए थे ऐसे डिप करके उसमें आप खा सकते हैं, तो मैंने हल्का सा स्पाइसीनेस में ऐड की है और बाकी सारी चीज़ें बॉयल हो रही हैं, तो देखने में आपको टेम्पटिंग लग रहा होगा, बड़ा अच्छा लग रहा होगा देखने में, पर यार ये चिली जो है ये स्पाइसी नहीं है। तो अगली बार मैं जब अगर आऊँगा इस रेस्टोरेंट में तो जेब में रख के मुझको चिली लानी पड़ेगी, मिर्ची। और ये मैंने चिकन भी ऑर्डर दिया है, तो ये लास्ट में आप नूडल भी डाल के खाते हैं ऐसे नूडल, या आप एक्स्ट्रा राइस भी दे सकते हैं। नूडल को हल्का सा हिलाएंगे, बॉयल होने देंगे और फिर ट्राई करने की बारी। अच्छा हो रहा है यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर काफ़ी फ्लेवर जो टमाटो का है उसमें है तो बड़ा अच्छा टेस्ट हो रहा है। अच्छा है तो यार थोड़ा सूप भी ट्राई कर लेते हैं, मीट तो पहले ट्राई कर लिया हमने, तो ये टमाटो सूप ले रहा हूँ मैं, थोड़ा सा थोड़ा ट्राई करते हैं। तो टमाटो सूप ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से, जो पिछली बार मैंने ट्राई किया था उससे, तो अभी ये दूसरा वाला भी ट्राई करेंगे। थोड़ा सा जो चाइनीज़ हर्ब सूप है थोड़ा सा लेते हैं, तो वैसे ये चाइनीज़ हर्ब सूप भी काफ़ी पॉपुलर है ताइवान में, थोड़ा ये भी ट्राई करते हैं। ये भी ठीक है। तो यार ये था आज का वीडियो, तो हॉट पॉट मुझे तो सही लगता है यार, आपको कैसा लगता लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में लिखते। तो यार मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए।